लेकिन भरवा बैगन में क्या होता है, कट करके हम मसाला अंदर भर देते हैं। इसमें भी हम 90% वही कर रहे हैं, हमने कट ही किया है और हम मसाला भी बना रहे हैं, लेकिन हम उसे भर नहीं रहे, हम दोनों का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो इवनिंग टू नाइट रूटीन का होने वाला है। तो बस मैंने यहाँ पे इवनिंग से अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं और मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट प्लेस पे हूँ जो कि है किचन। और मैं यहाँ पे ये करीब शाम 5:30 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, जहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन को उनकी डेडिकेटेड प्लेस पे रख रही हूँ। तो मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी बताया है, जो मेरी हाउस हेल्प आती है वो सब बर्तन वगैरह क्लीन करके ऐसे स्लैब पे प्लेस करके चली जाती है, बिकॉज़ सारे जो ड्रेनर वाली जो बास्केट उड़ती है बर्तन की उसमें नहीं आ पाते हैं, क्योंकि किसी किसी दिन ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो बास्केट में रखती है पहले, फिर जो नहीं आ पाते हैं उनको स्लैब पे अलग अलग करके रख देती है, सो दैट सारा पानी निकल जाए। तो बस उसके बाद ही मैं उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे ये बर्तन ही रख रही हूँ सारे, और उसके बाद हम बनाएंगे शाम की चाय, बिकॉज़ ये वही टाइम है जब हम चाय पीते हैं। तो 5:30-6 बजे के अराउंड ही हम चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन लगा दूँगी और उसके बाद हम चाय बनाएंगे एंड देन हम अपने डिनर की प्रिपरेशन करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कढ़ाई में एक्चुअली करेला रखना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने करेले की रेसिपी में कुछ नहीं किया है, मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है और जैसे ही मेरा ऑयल गर्म हुआ है उसके बाद मैंने उसमें सौंफ डाला है, जो खाने वाला सौंफ होता है, मैं सौंफ का ही तड़का लगाती हूँ इसमें। और बस फिर प्याज और करेला मैंने डाल के फ्राई किया है 5 मिनट। जब वो फ्राई हो गया उसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक और थोड़ी सी खटाई, बस यही बेसिक मसाले डाल के मैं इसको चला दूँगी। और मैं इसमें कुछ भी नहीं करती, बहुत लोग पहले करेले में नमक डाल के रखते हैं, उसका पानी निकालते हैं, कड़वापन निकालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सीधा करेले को प्याज के साथ फ्राई कर देती हूँ। जब आप उसको पहले थोड़ा फ्राई कर देते हो मसाले डालने से पहले, तो उसमें फिर इतना ज़्यादा कड़वापन नहीं रहता। और यहाँ पे ये मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, जो है घी। आप घी डाल के देखिए, आपको करेले का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैंने यहाँ पे करेले की सब्ज़ी रख दी है, बहुत ही क्विक बनती है वो। तो बस साइड में करेला मैंने बनने के लिए रख दिया और मीन वेल मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, बिकॉज़ वही 6 o'clock के अराउंड हो रहा था। तो मैं और पीके जी अपनी चाय पी लेंगे, विराज इस टाइम पे सो रहा होता है, तो मैं अपनी कुकिंग थोड़ी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ इस टाइम पर, बिकॉज़ एक बार वो उठ जाता है तो उसके बाद फिर एक जना उसके साथ ही चाहिए। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि जितना काम निमट सकता है उतना निपटा लो, फिर आराम से बैठ के भले ही एंजॉय कर लो। तो बस यहाँ पे मैं साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि फिर वो बाद का मेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हम लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करेंगे अपनी चाय, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है, मुझे ऐसा फील होता है, दिन में एक बार ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। टाइम तो देखो आप पूरे दिन ही स्पेंड करते हो, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप लोग सोचोगे पूरा दिन तो साथ ही रहते हैं। मैं ऐसे टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक क्वालिटी टाइम की। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू मी क्वालिटी टाइम इज़ जिसमें आप ना फ़ोन चलाओ, ना आप टीवी देखो, ना आप लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बैठो, आप सिर्फ खाली बैठो बिना किसी गैजेट के, बिना किसी और डिवाइस के, और आप बस आपस में बात करो। तो ये क्वालिटी टाइम की मैं बात कर रही हूँ। और हम दिन में एक साथ ज़रूर ऐसे बैठते हैं, जो कि हमारा चाय वाला टाइम ही होता है मोस्टली, बट वीकेंड्स पे चाय के अलावा भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ के चाय एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ी बहुत गॉसिप कर रहे हैं, थोड़े बहुत डिसीजंस जो लाइफ के होते हैं वो इस टाइम पर हम लोग लेते हैं। तो बस ये वो टाइम था। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अपनी दूसरी सब्ज़ी बना रही हूँ, जो है भरवा बैगन की। एक्चुअली भरवा बैगन नहीं, ये बैगन मसाला है, मैंने इसमें कट लगाया है बीच में और बस मैं इनको तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो इसको आपको 30-40% ही फ्राई करना है, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ ऑयल में मैंने बैगन फ्राई किए हैं बीच में से कट लगा के।
तो बस फ्राई करके जब तक ये 30-40% फ्राई हो जाए, इनकी स्किन ऊपर से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तब आप इनको कढ़ाई में से निकाल लें और उसके बाद हम उसी तेल में इसका बाकी का मसाला बनाएंगे। बैंगन खाना चाहता है, वो आलू बैंगन भी खा सकता है, वो भरवा बैंगन भी खा सकता है, वो कटेला बैंगन भी खा सकता है, वो जला हुआ बैंगन भी खा सकता है, भाई बन क्या रहा है, कुछ भी खा सकता है। अभी क्या बन रहा? बैंगन मसाला बन रहा भरवा बैंगन और बैंगन मसाले में डिफरेंस। भरवा बैंगन को कौन कह रहा है बना रहे हैं, हम बैंगन मसाला बना रहे हैं, लेकिन भरवा बैंगन में क्या होता है, कट करके हम मसाला अंदर भर देते हैं। इसमें भी हम 90% वही कर रहे हैं, हमने कट ही किया है और हम मसाला भी बना रहे हैं, लेकिन हम उसे भर नहीं रहे, हम दोनों का मिक्स। तो ये आप बिहाइंड द कैमरा सीन देख रहे हैं, कैमरा वो लगा है सामने। तो बस मैंने अब तेल में जीरा डाल दिया है और जैसे ही जीरा मेरा थोड़ा तड़क जाएगा उसके बाद मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी। तो मैंने अनियन को पहले से ही चॉप किया हुआ है, आप मैनुअल चॉपर में भी चॉप कर सकते हो और अगर आप पीस के डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप प्याज को कैसे यूज़ करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर बारीक बारीक प्याज यूज़ कर रही हूँ मैं मैनुअल चॉपर में चॉप करके। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिए और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ और मैंने तो यहाँ पे जो स्टोर बोट होता है वो डाला है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अगर घर पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डालें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बस मैं यहाँ पे वो ऐड करके और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी प्याज को। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैंगन मसाला, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो बैंगन मसाला में क्या होता है, आप भरवा बैंगन की तरह बैंगन में कट लगाते हो बट आप उसके अंदर मसाले को फिल नहीं कर रहे हो, आप मसाले के साथ उसको मिक्स कर रहे हो जो ऑलरेडी फ्राइड बैंगन है। तो उससे क्या होता है, मसाला अपने आप ही अंदर पहुँच जाता है। तो ये मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज़ भरवा बैंगन, बट आप थोड़ा इसको डिफरेंट स्टाइल से बना रहे हो तो इसका फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो जस्ट ट्राई इट वंस। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं टोमेटोस, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर चॉप करके रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं टमाटर को भी भून लूँगी और इसके साथ में सारे ड्राई स्पाइसेस डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जो भी मसाले आप ऐड करना चाहें खटाई, वो सारे मसाले आप यहाँ पे ऐड करें और बस मिक्स कर दें। टमाटर के साथ ही आपके मसाले भी भुन जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है और बस मैं यहाँ पे इसको मिक्स करके थोड़ा पकाऊंगी और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मसाले को पकाते रहेंगे, और पकाना हमें तब तक है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट आउट ना हो जाए। तो आपने मेरी और पीके जी की अभी गॉसिप देखी ली, पीके जी ऐसे ही किचन में आके मेरे साथ थोड़ी थोड़ी सी बातें इस तरह से करते हैं कि हम लोग हंसी मजाक करते हैं, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी ट्राई करा करिएगा कि अगर किचन में खड़े होके इस तरह से मजाक करें तो कुकिंग में भी मज़ा आता है और टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है। मुझे वो कुकिंग बहुत ही बोरिंग लगती है जिसमें बस मैं किचन में खड़ी हूँ और बस कुकिंग कर रही हूँ और सब अंदर बैठे हैं, वो मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। तो मतलब किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि मैं अकेली कुकिंग कर रही हूँ, बट जब पॉसिबल हो पाता है तो पीके जी आके इस तरह से मजाक मेरे साथ करते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा कि ये बैंगन मसाले में और भरवा बैंगन में क्या डिफरेंस है, तो वही सब इस तरह का मजाक चलता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था, पानी डाल के मैंने उसको अच्छे से पका लिया था, ऑयल सेपरेट आउट हो गया था, और जैसे ही ऑयल मेरा सेपरेट आउट हुआ है मैंने उसमें ये बैंगन ऐड कर दिए जो हमने फ्राई करके रखे थे, और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी इसको ढक के जो बैंगन की थोड़ी सी कसर बची है वो पकाऊंगी तो उसमें मेरा पानी भी पक जाएगा। तो यस, ये क्लिप आ गई है आम की। तो अब ये सीजनल फ्रूट है तो ये तो ज़रूरी है खाना, तो यहाँ पे हम लोग आम एंजॉय कर रहे हैं और सीजनल फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। आजकल आम बहुत आए हुए हैं, सफ़ेदा, दशहरी, बहुत सारे आम आए हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पे वही बैठ के कट कर रही हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है। चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी, यहाँ पे विराज उठ गया था तो बस फिर हमने सोचा चलो आम खाते हैं। तो ये मैं छोटे छोटे पीस कटोरी में विराज के लिए कट कर रही हूँ और बाकी हम लोगों ने खाए थे। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और ये देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से हो गई है, और बैंगन मैं कट करके देख रही थी तो मेरा पूरा अच्छे तरीके से बैंगन पक गया है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर भी मसाला हो गया उसके, और ये है फाइनल लुक हमारी सब्ज़ी का।
बहुत ही अमेजिंग लगती है गाइज़। अगर आप मसाले बहुत अच्छे से डालो तो मतलब बहुत ही स्वाद लगती है, ऐसा लगता ही नहीं अरे हमने बैंगन खाए हैं। बैंगन मसाला बहुत ही अमेजिंग डिश है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अब यहाँ पे करेले की सब्ज़ी। तो बहुत लोगों को करेला नहीं पसंद होता, बट अगर आप ऐसे ट्राई करेंगे तो आपको कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। थोड़ा सा वो प्याज के साथ फ्राई कर लीजिए और इट इज़ गुड टू गो। तो जी आम वाम खा लिए सबने, बहुत देर हो गई आम खाए हुए। और फिर आज यहाँ पे हमारे लग रहे हैं खेल में, बस ऐसे ही सामान फैला के रखते हैं आप देख ही रहे हो। और वो पूरा मैं बस रात को इसको ठीक करती हूँ, दिन में भी फैलाता है रात में भी फैलाता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं दोनों टाइम ठीक करती थी, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि मैं दोपहर में पूरा समेटती हूँ इसके सोने से पहले, और ये शाम को आके फिर से एकदम से सब कुछ फैला देता है। इसको ये है कि हर चीज़ फैली हुई रहनी चाहिए, जो मेरा मन करेगा मैं खेल लूँगा। तो फिर मैंने अब दोपहर में समेटना छोड़ दिया, अब मैं रात को एक ही बार समेटती हूँ। ठीक है फैला लो जितना फैलाना है। तो बस डिनर विनर मैंने आपको दिखाई दी, दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी हैं, करेले की सब्ज़ी और भरवा बैंगन की सब्ज़ी। और रोटी बनेंगी बस जब खाना खाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ एक और इम्पॉर्टेंट काम करने जो कई दिन से पेंडिंग चल रहा है, मक्खन निकालने का काम, घी बनाने का काम। तो वो मंथ में या डेढ़ महीने में एक बार करती हूँ, जब मेरी मलाई 2-3 डब्बे इकट्ठी हो जाती है तब मैं घी बनाती हूँ। बिकॉज़ वो एक ऐसा काम है टाइम कंज्यूमिंग, उसमें लगता है टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ घी बनाने और थोड़ा सा मक्खन निकालने, और विराज और पीके जी खेलेंगे और मैं जा रही हूँ अपना काम करने। तो मैं अब दिखाती हूँ मैं कैसे मक्खन निकालती हूँ। वैसे तो सबका मक्खन निकालने का तरीका अलग होता है, बट मेरा जो भी तरीका वो मैं दिखाती हूँ। तो मैं फिर से आ गई हूँ किचन में घी बनाने के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो बस मैंने यहाँ पे तीनों मलाई के डब्बे निकाल लिए हैं, और ये है मेरा फूड प्रोसेसर, और इसमें राइट साइड वाला जो जार होता है उसमें हम मक्खन निकालते हैं। और आप उसमें देख सकते हो फैन की तरीके का एक ब्लेड लगा हुआ है, उसी से मक्खन निकलता है। तो बस यहाँ पे वन बाय वन करके आप मलाई निकालते जाएं। एक बार में पूरा डब्बा डालने से वो थोड़ा हैवी चलती है, इसलिए मैं आधा आधा करके डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि चलने में आसानी हो जाए। और बस उसके बाद हम इसको फेंट लेंगे। कैसे फेंटेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये है प्लास, ये एक और अनदर स्टोरी है मेरा। इसका बटन टूट गया है मिक्सी का, तो मैं आजकल प्लास से उसको चला रही हूँ, और वो बटन मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। और मैंने उसको दो बार जोड़ने की कोशिश करी है, वो जुड़ भी नहीं रहा है। तो एट दी एंड आई एम लेफ्ट विद दी ओनली ऑप्शन ऑफ बाइंग अनदर फूड प्रोसेसर। सो यस अभी मैं प्लास से काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ बिना फास्ट फॉरवर्ड किए वीडियो को, कि कैसे हमारा मलाई से मक्खन सेपरेट आउट हो रहा है। तो ये देखिए मैंने चलाया उसको, और ये मेरा मक्खन अलग होता जा रहा है, और जो उसमें मट्ठा होता है वो अलग होता जा रहा है। तो बस उस स्टेज तक आपको लगाना है जब तक मक्खन हमारा अलग ना हो जाए, और बस फिर उसके बाद हम उसको खोल के और हाथ से आराम से सारा मक्खन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ मक्खन सारा साइड में आ गया। तो बस धीरे धीरे आप हाथ से उसको अलग निकाल लीजिए, जो आपको खाने के लिए यूज़ करना है मक्खन वो खाने के लिए यूज़ कर लीजिए, और जो आपको घी में निकालना है वो आप अलग कर लीजिए। तो मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ खाने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो खाते नहीं है, तो कटोरी में थोड़ा सा निकाल लिया, पराठे पराठे के साथ ले लिया, या विराज खा लेता है। तो बस उतना ही मक्खन मैं कटोरी में निकालूंगी, और बाकी जो भी होगा वो मैं सब कढ़ाई में डालती जाऊंगी, बिकॉज मुझे उसका घी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई में सारा मक्खन डाल लिया है। तो जो मेरे तीनों डब्बे थे मलाई के वो आधे आधे करके मैंने डाले थे, और सारा मक्खन निकालने के बाद मैं कढ़ाई में डालती जा रही थी। और फिर जब सारा मक्खन निकल गया था, सारा कढ़ाई में मैंने इकट्ठा कर लिया था, उसके बाद मैंने गैस ऑन कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गैस ऑन कर दी है, और मेरा मक्खन धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इस तरीके से आप बीच बीच में चलाते रहें, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो नीचे ना लगे।
तो मैं बीच बीच में इस तरीके से चलाती रहूँगी। और ये जो साइडों में थोड़ी थोड़ी मलाई जम जाती है ना, इसको आप अपने चमचे से ही हटाते रहें और उसी में मिक्स कर दें। तो बस इतने मेरा घी पकेगा, बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ परांठे, क्योंकि आज दोनों ड्राई सब्ज़ी हैं, बैंगन मसाला है और करेला है, तो मैं इसलिए आज पराठे बना रही हूँ। तो बस मैं यहाँ पे ट्रायंगल वाला पराठा बनाऊँगी, क्योंकि वही पीके जी को पसंद है और विराज भी बहुत चाव से खाता है पराठे। तो बस हम लोग यहाँ पर अपने डिनर की तैयारी कर लेंगे। वैसे तो सबका अपना स्टाइल होता है घी निकालने का, बहुत लोग किसी और तरीके से निकालते होंगे, कुछ लोगों को मेरा तरीका सही नहीं लग रहा होगा, बट दिस इज़ द वे आई डू और मुझे ऐसे इजी भी लगता है। तो ये है हमारी आज की डिनर प्लेट, करेला, बैंगन मसाला, मक्खन, पराठा, रायता और सलाद। तो बस हम लोग वहाँ पर डिनर कर चुके थे और ये मेरा घी एकदम बन के तैयार है। इस स्टेज पे आप बंद कर सकते हो, देखो जैसे जैसे मैं चला रही हूँ नीचे वाला थोड़ा थोड़ा ब्राउन होता जा रहा है, और अगर आपको और भी ज़्यादा जलाना है इसको, बहुत लोग एकदम डार्क ब्राउन कर देते हैं, तो आप उस स्टेज तक भी इसको उस स्टेज तक भी आप इसको पका सकते हो। तो मैं बस इस स्टेज पे गैस को टर्न ऑफ कर दूंगी, बिकॉज बहुत देर तक कढ़ाई की हीट से भी वो पकता रहता है, तो इस वजह से मैंने गैस को टर्न ऑफ कर दिया। और बस यहाँ पे मैं डबल छलनी लगा के अपना घी छान लूँगी। आप चाहो तो किसी सूती कपड़े में भी करके छान सकते हो, मैं यहाँ पे डबल छलनी से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी छलनी के जो जाली है वो बहुत बारीक वाली है, और ये छलनी मैंने डेडिकेटेडली घी के लिए ही रखी हुई है, तो मैं हमेशा इसी में करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपना घी छान लूँगी, और जो ये छानने के बाद जो ये रिमेनिंग बचा रहता है ना, ये पीके जी को और विराज को खाना बहुत पसंद है, तो ये मैं कटोरी में अलग कर देती हूँ और वो लोग इसमें चीनी डाल के खाते हैं। वैसे तो ये बहुत पौष्टिक होता है खाना, बहुत सही होता है, लेकिन ये उतना हैवी भी होता है, इसलिए एक बार में इतना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो गिव इट अ लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।